अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू योर चैनल साइंस गाइडर। हमारा आज का टॉपिक है पॉलीयूरेथेन रबर। सबसे पहले हम देखेंगे पॉलीयूरेथेन रबर क्या होता है। पॉलीयूरेथेन रबर एक ऐसा इलास्टोमेरिक मटेरियल है जो कि पॉलीमर से बनता है और इसको बहुत सी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें ऐसी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये एक रिजिड प्लास्टिक मटेरियल होता है और काफ़ी स्ट्रेंथ रखने के साथ साथ इसके अंदर काफ़ी इलास्टिसिटी भी होती है। तो ये डिफरेंट दो प्रॉपर्टीज मिलके इसको एक ऐसा रबर बना देती हैं जिसकी वजह से ये बहुत सी मटेरियल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ कॉमनली यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक इंसुलेशन एंड कोटिंग, एंड द पॉलीयूरेथेन इज ऑल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एडहेसिव सीलेंट्स एंड द इलास्टोमर्स। नेक्स्ट वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीयूरेथेन रबर। इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं ड्यूरेबिलिटी, मतलब ये इसकी ऐसी एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये आसानी से टूटेगा नहीं। आप इससे जो भी मटेरियल, जो भी अपनी प्रोडक्ट्स बनाएंगे वो काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए चलेंगी। इट कैन एंड्योर द हार्श कंडीशन इंक्लूड एब्रेसिव इन्वायरमेंट वेदरिंग, और इजीली ये डिग्रेड नहीं होगा और ना ही इसकी फंक्शनैलिटी ख़राब होगी। फ्लेक्सिबिलिटी इसकी वन ऑफ द मेन प्रॉपर्टी, क्यों? क्योंकि ये रबड़ है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये एक्सटेंसिव टेम्परेचर पे भी वैसे ही काम करेगा जैसे कि एक नॉर्मल टेम्परेचर पे। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो या लो हो, ये अपना परफॉर्मेंस वैसे ही देता है। देन पॉलीयूरेथेन रबर इंश्योर रिलायबल परफॉर्मेंस इन एक्सट्रीम कंडीशंस। कोई भी वेदर कंडीशन बहुत एक्सट्रीम हो, सच एज फ्रीजिंग कोल्ड या फिर स्कॉर्चिंग हीट, इट रिमेन सेम और इसमें इजिली क्रैक नहीं आते। देन हाई लोड बेयरिंग कैपेसिटी, इस पर जितना भी लोड डाल दिया जाए ये अपनी पोजिशन को मेनटेन रखेगा और लोड हटाने के बाद ये अपनी ओरिजिनल पोजिशन में वापस आ जाएगा। इट्स एबिलिटी टू सपोर्ट सब्सटेंशियल वेट विदाउट डिफॉर्मेशन और स्ट्रक्चरल कॉम्प्रोमाइज इज क्रूशियल इन इंडस्ट्रीज लाइक मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारे पास लोड बहुत हैवी होता है, मैन्युफैक्चरिंग में भी, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, क्योंकि हमारी मशीनरीज बहुत हैवी होती हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में भी मटीरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए, तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। इसकी केमिकल रेजिस्टेंस, इट इज़ हाईली रेजिस्टेंस टू केमिकल, और सिर्फ थोड़े केमिकल्स नहीं, एक वाइड रेंज ऑफ केमिकल्स के अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस शो करता है, जैसे ऑयल्स, सॉल्वेंट्स, एसिड, सेफगार्ड्स, इट्स लॉन्गेविटी एंड द इफेक्टिवनेस। दिस प्रॉपर्टी इज पर्टिकुलरली वैल्यूएबल इन एनवायरनमेंट्स वेयर एक्सपोजर टू क्रोसिव सब्सटेंसेस कॉमन, सच एज केमिकल इंडस्ट्रीज में, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। देन नॉइस एंड वाइब्रेशन डैम्पिंग के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसी जगह पे जहाँ पे नॉइस को हमने बैरियर करना हो और वाइब्रेशन को हमने एब्जॉर्ब करना हो, वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। पॉलीयूरेथेन रबर आइसोलेट द रोड नॉइस एंड प्रोवाइड अ स्मूथर राइड। कस्टमाइजेबिलिटी, पॉलीयूरेथेन रबर वर्सेटिलिटी शाइन थ्रू इट्स एबिलिटी टू बी प्रिसाइसली टेलर फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन। Manufacturer can fine tune its hardness, flexibility and other attributes to meet the exact requirement of a given industry. कोई भी इसकी कोई भी एप्लीकेशन हो, आप अपनी मर्जी से इसकी फ्लेक्सीबिलिटी, इसकी हार्डनेस और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को ट्यून कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू योर यूज़। देन इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखेंगे कि कैसे बनता है। रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हैं पॉलीयूरेथेन रबर के लिए, लाइक डाई आइसोसियानेट्स, पोलियोल्स एंड द एडिटिव्स। डाई आइसोसियानेट्स क्या है? एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड विद टू आइसोसियानेट ग्रुप्स इज नोन एज द डाई आइसोसियानेट, और ये बहुत असेंशियल केमिकल है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पॉलीयूरेथेन रबर। क्यों? क्योंकि इसको स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। देन हम देखेंगे पोलियोल्स। पोलियोल्स क्या है? एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। हाइड्रोक्सिल मतलब OH ग्रुप। पॉलीयूरेथेन रबर रिलाइज ऑन द पोलियोल एज अ की कंपोनेंट इनहांसिंग इट्स इलास्टिसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। ये पोलियोल्स क्या फंक्शन प्रोवाइड करते हैं? ये इसकी इलास्टिसिटी और ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। एडिटिव्स डाले जाते हैं डिफरेंट तरह के, जैसे कि आपने देखा था क्योरिंग एजेंट, कैटलिस्ट और स्टेबलाइजर्स डाले जाते हैं, इनहिबिटर्स डाले जाते हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज डेट वी रिक्वायर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आवर प्रोडक्ट। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस किया जाता है इसका रॉ मटेरियल प्रिपेयर करने के बाद।
पॉलीयुरेथेन रबर इज फॉर्म थ्रू अ केमिकलेशन नोन एज द पॉलीमराइजेशन। इसमें क्या होगा, डाई आइसोसैनेट और पोलियोल्स जो इसके प्राइमरी रॉ मटेरियल्स हैं आपस में मिलके क्या बना देंगे, पॉलीमर चेन्स। और ये पॉलीमर चेन्स आपस में थ्री डायमेंशनल नेटवर्क बना देंगी और हमारे पास पॉलीयुरेथेन रबड़ बन जाएगा जिसकी जो नेक प्रॉपर्टीज़ होंगी जो कि बहुत हार्ड भी होगा और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी भी होगी। हेयर्स द रिएक्शन ऑफ पोली डाई आइसोसाइनेट एंड पोलियोल्स टू फॉर्म द पोली यूरीथेन। दो आपस में हमारे मोनोमर्स मिलके पॉलीमर बना रहे हैं और इस तरह डिफरेंट चेन्स आपस में मिलके थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना के हमारा पॉलीमर बना देंगी। मिक्सिंग एंड द प्रोसेसिंग, फिर पॉलीमर का बनने के बाद इसकी मिक्सिंग एंड प्रोसेसिंग की जाती है। डिफरेंट रॉ मटेरियल्स को पहले थोड़ा मिक्स किया जाता है ताकि हमारे पास यूनिफॉर्म उसकी कंसिस्टेंसी आ जाए। उसके बाद उसको क्योरिंग किया जाता है, हीट और प्रेशर अप्लाई किया जाता है। क्योरिंग एक ऐसा स्टेप है जहाँ पे प्री पॉलीमर इज ट्रांसफॉर्म इनटू डिजायर्ड पॉलीयुरेथेन रबर प्रोडक्ट्स। इट टिपिकली इन्वॉल्व्स अप्लाइंग हीट एंड प्रेशर टू द प्री पॉलीमर। दिस प्रोसेस ट्रिगर द केमिकलेशन विद इन द मटेरियल और इस केमिकलेशन से फर्दर इसको स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ मिलती है और डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिलती हैं। अगर हमने इसकी प्रॉपर्टीज चेंज करनी है तो हम क्योरिंग की डिफरेंट कंडीशंस को भी चेंज कर देंगे, टेम्परेचर को चेंज करेंगे, प्रेशर को चेंज करेंगे, इस वजह से इसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी। तो इस वजह से डिज़ायर प्रॉपर्टीज़ को हासिल करने के लिए हमें क्योरिंग टेम्परेचर को बहुत प्रिसाइसली कंट्रोल करना पड़ता है। देन हम प्रोडक्ट फॉर्म हमारा पॉलीयुरेथेन रबर बनने के बाद फाइनली एक प्रोडक्ट बना देते हैं। पॉलीयुरेथेन रबर कैन बी मैन्युफैक्चर इन वेरियस फॉर्म टू सूट डिफरेंट एप्लीकेशन सच एज द कस्टम मोल्डेड बार शीट्स और रॉड्स वगैरह बनाने के लिए जो कि हमारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ में, कंस्ट्रक्शंस में। और इस तरह इससे हम डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट साइज़ के डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। देन टाइप्स क्या हैं पॉलीयुरेथेन रबर ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, दो टाइप्स हैं, थर्मोप्लास्टिक पॉलीयुरेथेन रबर एंड द थर्मोसेटिंग पॉलीयुरेथेन रबर। थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर से आप वाकिफ़ हैं। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स वो होते हैं जो हीट करने के बाद मेल्ट होते हैं और कूलिंग के बाद अपनी हार ओरिजिनल शेप में वापस आ जाते हैं, मतलब हार्ड हो जाते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स वो होते हैं जिनको हम हीट अप्लाई करने पर वो बहुत सख्त हो जाते हैं, डीफॉर्म हो जाते हैं और वापस रीमेल्टिंग करने पे उसी फॉर्म में वापस नहीं आएंगे, ठीक है। और थर्मोप्लास्टिक पॉलीयुरेथेन इज अ टाइप ऑफ पॉलीयुरेथेन रबर डैट कैन बी मेल्टेड एंड रीमोल्डेड मल्टीपल टाइम्स विदाउट लूजिंग इट्स ओरिजिनल प्रॉपर्टीज। इस वजह से इसको हम थर्मोप्लास्टिक पॉलीयुरेथेन कहते हैं। ये प्लायबल होता है व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू हीट और इस वजह से इसको हम डिफरेंट ट्यूब्स बनाने के लिए, होसेस और कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जबकि थर्मोसेटिंग पॉलीयुरेथेन रबर क्या है, उसमें केमिकल चेंज आ जाता है ड्यूरिंग द क्योरिंग और उसके बाद ये अपनी शेप को मेंटेन कर लेता है परमानेंटली और दोबारा और अपनी प्रॉपर्टीज़ को भी। और दोबारा अगर हम हीट करेंगे तो ये मेल्ट नहीं होगा, रीमोल्ड नहीं होगा। इस वजह से ये उन एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल है जहाँ पे हमें ज़्यादा स्टेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी चाहिए होगी, सच एज ऑटोमोटिव पार्ट, इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स एंड द इलास्टोमेरिक बेयरिंग्स। दिस इज़ द थर्मोसेटिंग पॉलीयुरेथेन रबर। देन टाइप्स ऑफ पॉलीयुरेथेन रबर ऑन द बेसिस ऑफ फैब्रिकेशन, कास्टेबल है एंड द इंजेक्शन मोल्डेड पॉलीयुरेथेन रबर। जैसे कि नेम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है, कास्टेबल पॉलीयुरेथेन रबर वो रबर होगा जिसको हम डिफरेंट मोल्ड से उसकी शेप्स बना सके हैं, जबकि इंजेक्शन मोल्ड में हम लोग इंजेक्शन मोल्डिंग को इस्तेमाल करते हैं। एक डाई से हमारा रबर मटेरियल निकलेगा, हम मोल्ड में जाएगा और वहाँ पर उसकी प्रॉपर मोल्ड की शेप को वो ले लेगा और उसी फॉर्म में हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कास्टेबल पॉली यूरिथेन रबर, दिस टाइप ऑफ पॉली यूरिथेन रबर इज टिपिकली प्रोड्यूस थ्रू अ कास्टिंग प्रोसेस। और इसमें क्या होता है, प्री पॉलीमर मिक्सचर को मोल्ड में डाला जाता है, उसको क्योरिंग की जाती है इनटू द फाइनल प्रोडक्ट। और ये किस में यूज़ होता है, सील्स बनाने के लिए, गैसकेट्स बनाने के लिए और स्पेशल कंपोनेंट्स बनाने के लिए जिनकी स्पेसिफिक शेप और साइज़ हो। जबकि इंजेक्शन मोल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्री पॉलीमर को हीट करके इंजेक्ट किया जाता है मोल्ड कैविटी में एट अ वेरी हाई प्रेशर। और ये मेथड सूटेबल है मास प्रोडक्शन के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए जिसमें कंसिस्टेंट शेप हो और डायमेंशन हो, और जैसे कि ऑटोमोटिव बुशिंग, मेडिकल डिवाइसेस एंड द इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स। दिस इज द कास्टेबल पॉलीयुरेथेन रबर एंड दिस इज द इंजेक्शन मोल्डिंग इन विच वी फेड अवर रॉ मटेरियल थ्रू हॉपर इन टू अ
आवर मेन सिलेंडर, देन स्क्रू से हमारा रॉ मटेरियल आगे जाएगा, हीटर से वो हीट मिलेगी और एट द एंड हमारे मोल्ड में जाएगा और वहाँ पे डिजायर शेप ले लेगा। इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस कौन सी हैं? इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में टायर्स बनाने के लिए, सस्पेंशन कंपोनेंट्स बनाने के लिए एंड सेल्स, इन कंस्ट्रक्शन में कंक्रीट के मोल्ड्स, इलास्टोमेरिक बेयरिंग्स, इंडस्ट्रियल में कन्वेयर बेल्ट लाइक रोलर्स एंड कपलिंग्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए शू के सोल्स, स्केटबोर्ड्स के व्हील्स और मेडिकल डिवाइसेस में कैथेटर्स, ट्यूबिंग, सील्स एंड ऑयल एंड गैस में इंडस्ट्रीज में सील्स, गैसकेट एंड द ऑफशोर इक्विपमेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। डेट वॉज ऑल अबाउट द पॉलीयूरेथेन रबर। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।